सर ने बोला कि आई थिंक बेटर ही रहेगा कि तू बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बॉलिंग में एक तो लेग स्पिनर भी बहुत कम है इंडिया के अंदर, प्लस कंपटीशन भी कम है लेग स्पिन के अंदर। एज ए बॉलिंग अगर मैं देखूँ, शेन वॉर्न मेरे को उनकी सोच बहुत, उनकी बॉलिंग मेरे को बहुत सूट करती है, और सोच जो अगर मैं कहूँगा तो अनिल कुंबले की। He's one of the sweetest guys in the group, and he's someone with a lot of experience. The more you see him bowl, the more you want to learn from him. So, very good person to have yourself around him. Under 19 हरियाणा के लिए खेला, first time हरियाणा कुछ भी ट्रॉफी जीता था, तो उसी साल मेरा डेब्यू रणजी ट्रॉफी में हुआ। फिर मेरा बोर्ड पीरियड के लिए नाम आया, तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरा हो सकता है कि सच में मेरे अंदर टैलेंट है और मैं इंडिया खेल सकता। वो अराउंड मैं शायद 19 से 20 साल का हूँ उस टाइम। मैंने हमेशा से चाहता था कि बैट्समैन बनूँ, और लेकिन जब भी जरूरत पड़ती थी क्लब के लिए बैटिंग करता ही था। बट उन्होंने लास्ट टाइम जब मैं अंडर 19 खेला, उससे पहले फिर मेरी 2 साल बैटिंग ही नहीं कराया उन्होंने मुझे नेट पे, कि तू बैटिंग करेगा ही नहीं। बॉलिंग के अंदर मेहनत करा, फिर 2 साल जब करा तो फिर अंडर 19 खेलने को मिला, वहाँ से फिर रणजी ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी से फिर बोर्ड पर्सन ट्रॉफी खेला। तो फिर सर ने कहा कि अब 2 साल हो गए, अब तू बैटिंग करेगा ही नहीं। तो फिर वहाँ से फिर पूरा फोकस बॉलिंग पे स्टार्ट हो गया। टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर है वो, बट मेरे को उससे ज़्यादा खेलने की ज़्यादा ये खुशी थी कि मैं सचिन पाजी के साथ 3 देर तक खेलता रहा, और वो मेरे से बात करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे कि कैसे खेलना है। जब मैं 40 या 45 के पास जब आया, तो उन्होंने कहा देख 50 खेलने करने का मौका बहुत कम मिलता है, पहले 50 कर ले, उसके बाद देखते क्या करना है। बात नहीं कर पा रहा था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि तो इतना लंबा बैटिंग कभी सचिन पाजी का कभी किया नहीं। तो हालांकि बात बात हमेशा करते थे, लेकिन बैटिंग के टाइम पे वो बहुत अलग माइंडसेट में रहते हैं, तो उस टाइम बात करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ उनसे। वो मुझे बताते थे, मैं हाँ मिलाता था बस। टेस्ट डेब्यू वो मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि अनिल कुंबले एक ऐसा बड़ा नाम था, ऐसा बड़ा शूज था जिसको फिल करना था। और मोहाली में मेरा मैच था, 5 साल ड्रॉप होने के बाद मैं वापस टीम में आया था, अनिल कुंबले की जगह पे मुझे बॉल डालनी थी। तो वो डेब्यू मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने मैन ऑफ द मैच लिया, 8 विकेट चटकाए, क्योंकि सबको यही था कि अनिल भाई के बाद कौन बॉल डालेगा, कैसे क्या रहेगा, इतना न्यूज़पेपर में नाम चल रहा था। अनिल भाई इंजर्ड भी बहुत हो रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे रात को पता लगा कि मैं सुबह खेल रहा हूँ। अनिल भाई ने अपने हाथ से मुझे टेस्ट कैप दिया, वो एक मेरे लिए बहुत हमेशा जिंदगी भर मेमोरेबल रहेगा। जितने भी मेरे सीनियर प्लेयर थे, सचिन पाजी, राहुल द्रविड़ वगैरह, सब ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। MS धोनी कैप्टन बने थे उस मैच में, क्योंकि उससे पहले उसी मैच में अनिल भाई कैप्टन थे। अनिल भाई जब इंजर्ड हुए तो MS धोनी को कप्तानी दी गई उस टाइम। राहुल द्रविड़ हो गए, VVS लक्ष्मण हो गए, इनके साथ मैं इतने लेवल पर नहीं खेला था कभी, तो एक उनका बहुत सपोर्ट रहा उस मेरे नर्वसनेस को नॉर्मल करने में, मुझे नॉर्मल करने में, परफॉर्म करने में। आई एम रियली थैंक्स टू गॉड एंड पीपल आर सपोर्टिंग मी कि 3 हैट्रिक हुआ। ऐसा प्लानिंग तो कुछ नहीं था, बट हाँ ये है कि जब होता है तो बहुत खुशी होती है। बट यह कि उस टाइम पे आपका क्या सोचना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी बॉल डाली जाए जिसपे आपको 3री विकेट मिल जाए। 2 तो मिल जाती है, लेकिन 3री विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। फिर वो बैट्समैन को 3rd विकेट के लिए थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सा बॉल डालना है, क्या फील्ड सेटअप करना, कौन बैट्समैन है, उसके हिसाब से। वो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पे 3 हैट्रिक है। बट मैं चाहूँगा कि कोई इसका ये भी रिकॉर्ड तोड़े, और आई विल बी वेरी हैप्पी देन कोई अगर तोड़ता है तो। एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है टीम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी किसी भी टीम के लिए। हार और जीत तो बाद में मैटर करती है, लेकिन आपस में जो माहौल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माहौल बहुत अच्छा है। हम उनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ तब ऐसा था कि कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ जो ऐसा रखा नहीं, सीनियर जूनियर जैसा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब चैलेंजिंग विकेट्स आते नेट्स में भी हमें गाइड करते। खुशी करेंगे इस बार कि IPL का कप हमारे पास आए, और आप लोगों को खुशी दे।
है।